और उस पर वो नागलोक है जहाँ दीवार के हर पत्थर के पीछे आस्ती का नाग छुपा हुआ है। अठारह वर्ष से ये नाग सिंहासन अपनी महारानी की प्रतीक्षा में ऊना पड़ा है। जिन बूंदों की तलाश हमें राजा जी से है, ना तो वो कभी गिरने वाली है और ना ही हमारी इच्छा कभी पूरी होने वाली। किसी भी रानी के गर्भवती होते ही राजा के शासन समाप्त की घोषणा। 18 वर्ष पहले जो हमने भविष्यवाणी की थी उसके सत्य होने के आसार नजर आने लगे। बदनाथ नाम में एक भविष्य दोबारा बदल देंगे। अब तीनों में से एक महारानी बनने वाली है। कई कुर्बानियां दी हैं हमने, ऐसे कैसे किसी को राजगद्दी पर बैठने का हक दे दे। हमारी रानी बिना हमारे संभोग के गर्भवती हो रही है। कर दीजिए एक और भविष्यवाणी और बदल दीजिए पौरुषपुर का भविष्य। ये अकड़ गर्व और मर्दानगी है, चाहे जितनी भी क्यों ना हो, है तो पौरुषपुर की महारानी के पैरों तले ही। राज लीला हमारे साथ और प्रेम लीला किसी और के साथ। सबको हासिल करना है पौरुषपुर का सिंहासन। जो काम 18 वर्ष पहले हमें करना चाहिए था, अब उसका वक्त आ चुका है।